अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल वर्ल्ड टुडे चैनल के साथ। दोस्तों, हर कोई यही सोच रहा है कि यूट्यूब पर किस टॉपिक पर चैनल बनाया जाए जिससे आपको व्यूज़ मिलें, सब्सक्राइबर्स मिलें, लाइक्स मिलें, और इस टॉपिक में आपको व्यूज़ कहां से मिलेंगे, और इस टॉपिक पर दिलचस्पी रखने वाले व्यूज़ को आप अपनी वीडियो कैसे दिखा सकें, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत से मौजूद हैं, क्रिकेट, कुकिंग, फनी, रिलीजियस, हेल्थ टिप्स, हेल्थ टिप्स, टेक्निकल टिप्स, पॉलिटिकल, ज़रूरी या किसी और मौजूद, जिस पर आप चाहें वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल वर्ल्ड टुडे को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगा हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं हम वीडियो की तरफ। और आप इसमें दोस्तों, आप अपने पसंद का कोई भी मौजू या टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ गूगल में। गूगल में जाकर आपने यहाँ पर क्रिकेट को इस तरह से सर्च करना है। आप जैसे सर्च करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास विंडोज में खुल कर आएगा, और आपने यहाँ पर देखना है कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को दिखा सकें, कुछ नया ऐसा, और कुछ नहीं तो फिर साइड में यहाँ पर हम जाएंगे विकिपीडिया पे। जब वो खुलेगा तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसके बारे में आपको ढेर सारी मालूमात मिलेगी, और इसी मालूमात के बेसिस पर आपने वीडियो की तैयारी के लिए मदद लेनी है। लेकिन आपने इसमें से वो चीज़ चुननी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, हाँ। तो यहाँ पर हम जैसे ही इवन अभी इधर कुछ नहीं मिल रहा था, हम अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में खोलेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह कुछ मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बैन अल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल, तो हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें कुछ दिलचस्पी मेरी आ रही है कि ICC कब वजूद में आई और कब इसका बुनियाद रखी गई, और बीच में इसका नाम भी चेंज हुआ है शायद, तो मैं इसके बारे में ही आपको कहूँगा कि आप कुछ छोटी सी वीडियो बना लें। और आपने कभी भी कोई भी किसी की वीडियोस को चोरी करके अपने वीडियो में नहीं लगाना है। आपने अपना जो भी करना है कंटेंट ओरिजिनल रखना है, अपने इस तरह की मालूमात के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बनानी है। और आपने कहीं पर भी क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी ऐसा आप देख रहे हैं सीन अपने मोबाइल से या किसी चीज़ से शूट करके आपने अपने वीडियो में डालना, तो इस तरह आपकी इस टॉपिक पे वीडियो, हल्की फुल्की वीडियो, चाहे आपकी वो वीडियो 2 मिनट की हो या 1.5 मिनट की हो, लेकिन आपने ये वीडियो जो भी बनानी है अपनी ओरिजिनल बनानी है, किसको कॉपी नहीं करना। आपने वो वीडियो बनाकर आपने उस वीडियो को फिर किस तरह से इसको इस टॉपिक को पसंद करने वाले व्यूज को पेश करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर आपको चंद लाइनें ही मिली हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसके लिए हम लैंग्वेज चेंज करेंगे। अब जैसे ही हम लैंग्वेज को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा मालूमात मिल जाएगी, इसमें कान कहाँ हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कान कितने हैं, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कुछ इस तरह की मालूमात भी है इसमें। हमें तो ये मालूम नहीं था कि इनका हेडक्वार्टर दुबई में है, लेकिन अभी ये मुझे भी अभी मालूम हुआ है। तो आपने इस मौजू पर कुछ लंबी वीडियो नहीं बनानी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट की। तो आपने जब जैसे ये वीडियो तैयार कर ली, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये यूट्यूब है, मैंने यूट्यूब की वेबसाइट खोली है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। आपको मैं एक चीज़ समझाने के लिए मैं खोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे सुनील भाई का चैनल है,
मैं उसको खोल रहा हूँ, मनी गुरु। तो इसमें आपको मैं क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इनके टोटल सब्सक्राइबर हैं 3,86,000 और समथिंग। तो इनके पास जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे ये कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो इनकी ये वीडियो 3,86,000 लोगों को नोटिफिकेशन देती होगी, या उनको पता चलता होगा कि आज सुनील भाई ने कोई वीडियो अपलोड करी है। तब चलते हैं वीडियोस में, तो उधर हम देखेंगे इनकी व्यूज़ के बारे में। हाँ, तो ये इन्होंने वीडियो एक दिन पहले अपलोड करी है, जिस पर इनको तकरीबन 3,000, 3,500 के करीब व्यूज़ मिले। इनके सब्सक्राइबर हैं 3,86,000। अब आते हैं हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे। जैसे ही नीचे आए, तो यहाँ पर हम इनकी शुरू की जो 2 साल पहले, 2 साल पुरानी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं, उनको देखते हैं। तो उनमें आप देखेंगे किसी वीडियो को मिले हैं 1,000 व्यूज़, किसी को मिले हैं 1,56,000, और किसी को मिले हैं 7,000। तो आप देख लें, ये इनके 2 साल में मिले हुए व्यूज़ की टोटल तादाद है। दोस्तों, अगर आप कोई भी वीडियो, इस चैनल को दिखाने का मकसद था कि अगर आप कोई भी वीडियो अगर 3 लाख लोगों को पेश करते हैं, तो उसमें आपको व्यूज़ कितने मिल सकते हैं, आप कितना एक्सपेक्ट करें कि आपके व्यूज़ कितने लोग देखेंगे। सिर्फ आपको यही बताना मकसद है। आप देख रहे हैं कितना माशाल्लाह से इनका ग्रोइंग चैनल है, 3,86,000 बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। तो आप देखें, तो यहाँ पर इनकी ये ऊपर की जो 7 वीडियोस हैं, उनमें इनकी व्यूज़ की तादाद को आप गौर से देख सकते हैं कि इनको उन पर कितने कितने व्यूज़ मिले। हालांकि ये इनका जो भी नोटिफिकेशन है, 3,86,000 सब्सक्राइबर्स को ज़रूर मिला होगा, क्योंकि वो सब्सक्राइबर इनको पसंद करते हैं, उनके लाइक करते हैं। बावजूद इसके, जो उन्होंने वीडियो आखिर में अपलोड करी है, उस पर इनको व्यूज़ मिले हैं 3,000 और समथिंग। और ये टोटल व्यूज़ इनके सब्सक्राइबर्स के नहीं हो सकते, और कुछ यूनिक व्यूज़ होंगे जो इनको बाहर से भी मिलते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने इसलिए दिखाया है आपको कि अगर आप अपना चैनल कोई बनाते हैं और लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं, तो आप ये नहीं कीजिएगा कि आपने 1 लाख लोगों के साथ अपनी वीडियोस को दिखाने के लिए शेयर किया, लेकिन आपको व्यूज़ 1 लाख में से सिर्फ 500 या 1,000 मिले। ये सब लोगों के साथ ही होता है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं हम इस तरफ के, आपने जो वीडियो तैयार की है, उसके लिए आपने अपने व्यूज़ कहाँ से हासिल करने, और किस तरह से आपने उसमें दिलचस्पी रखने वाले व्यूज़ को अपनी वीडियो दिखानी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मैं एक बात बता दूं, इसके लिए सबसे बेहतरीन जरिया है सोशल मीडिया। तो दोस्तों, जो सोशल मीडिया है, उस पर भी आपको हर तरह के व्यूज़, हर तरह के टॉपिक को पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले, और हर चीज़ आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। जिसमें सोशल मीडिया मिसाल के तौर पर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, गूगल प्लस है, ट्विटर है। तो आपने उसके ज़रिए अपने मुतल्लिका व्यूज़ को कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए भी एक तरीक़ेकार है कि आप किस तरह से उन लोगों को ही वीडियो दिखाएं जो क्रिकेट के साथ दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप अपने वीडियो तैयार कर कर कई ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं जो रिलीजियस हैं, या फिर उनको सियासत से दिलचस्पी है, तो फिर ये ऐसे ही होगा कि हम दिलशेर में जाकर बर्फ़ बेचने का कारोबार शुरू कर रहे हो। तो इस तरह की आपकी वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और आपकी ये वीडियो जो है ना, लोग वो नहीं देखेंगे, उसकी तरफ निगाह भी नहीं डालेंगे। आप चाहे उनको 100 बार भी उनको आगे प्रेजेंट करेंगे। तो इसका तरीके का क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम चलेंगे अपने फेसबुक अकाउंट की तरफ। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर आप भी आपने टाइप करना है क्रिकेट। आपने जैसे क्रिकेट टाइप करके आप सर्च करेंगे, तो कुछ इस तरह से आपका पेज खुलकर सामने आएगा। आपने यहाँ पर ये कर लेना है सी आल। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है
ऑल पोस्ट फीचर्स पे, हाँ ये ग्रुप्स, ग्रुप्स में आ जाए। अभी आपने क्या करना है, ग्रुप्स में आकर आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। अब देख रहे हैं इनके पास कितने कितने लोग जो हैं ज्वाइन किए हुए हैं, किसके पास 10 लाख से भी ज़्यादा हैं, किसके पास 2 लाख से भी ज़्यादा हैं, किसके पास 70 हज़ार, 57 हज़ार, कितने आप ग्रुप देख रहे हैं जिनके पास 10 10 लाख से ज़्यादा हैं, 15 15 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते रहना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो लोग हैं ये सब के सब लोग आपकी वीडियो देखेंगे, लेकिन आपने जैसे ही इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है उसके बाद आपने अपनी वीडियो के लिए प्रमोशन के लिए इन्हीं ग्रुप्स में अपनी ही वीडियो को शेयर करना होगा। जैसे ही आप इस ग्रुप में शेयर करेंगे, अगर 10 लाख लोगों ने लोगों के साथ शेयर की, उसमें से अगर 1 लाख लोगों ने भी आपकी वीडियो पर नज़र डाली, तो उसमें होने तो 500 हज़ार तो व्यूज़ मिल ही सकते हैं, तो उसमें 400 500 लोग तो ऐसे होंगे जो आपकी वीडियो को देखेंगे। जैसे ही आपको 400 या 500 या 200 से ज़्यादा जैसे ही आपको व्यूज़ मिलेंगे, तो आपके यूट्यूब पर वो वीडियो ऑटोमेटिक ही उसके एल्गोरिथम में ग्रो कर जाएगी और आपकी वीडियो उसके सर्च में ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। तो दोस्तों ये तरीके कार हैं इसको शेयर करने का। अगर आप यही वीडियो किसी, तो मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ पब्लिक ग्रुप, ये टोटल पब्लिक ग्रुप है। तो इसमें आपने जब ये शेयर करनी है, तो जो लोगों में से अगर 10 लाख लोगों में से अगर 500 लोगों ने भी आपकी वीडियो देखी, तो ये आपकी ग्रो कर जाएगी और ये वीडियो आपकी YouTube, हाँ तो ये मैंने किया है अपने लिए। तो मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है क्योंकि मेरी दिलचस्पी क्रिकेट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस मौजू पर वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं इस तरह की मालूमती वीडियो दोबारा भी दिखाता रहूँ। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।